हस्ती है अपनी ऐसी कि मिटती नहीं किसी से, हस्ती है अपनी ऐसी कि मिटती नहीं किसी से। यूं तो सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, और सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। आज के इस समाजवादी पार्टी के राज्य सम्मेलन में मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्री किरण मेनंदा जी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव एवं राज्यसभा सांसद आदरणीय श्री रामगोपाल यादव जी, समाजवादी पार्टी के काबिल कद्दावर नेता काबिले एहतराम जनाब आजम खान साहब मंच पर तशरीफ फरमा, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जनाब नरेश उत्तम पटेल जी सम्मेलन में आए, पार्टी के सांसद महोदय, पार्टी के विधायक महोदय, पार्टी के कार्यकर्ता देवियों सजनों और नौजवान साथियों, मैं आज इस मंच के माध्यम से आप सबका इस्तकबाल करता हूं। समाजवादी पार्टी के इतने बड़े और महत्वपूर्ण सम्मेलन में जिम्मेदार नेताओं के बीच मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को अपनी बात रखने का मौका देने के लिए मैं सबसे पहले समाजवादी पार्टी हाईकमान का शुक्रिया अदा करता हूं। पूरे प्रदेश के कोरे कोरे से समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद देने आए देवियों सज्जनों नौजवान साथियों, समाजवादी पार्टी का ये नन्ना सिपाही नौमान मुर्तजा इस मंच के माध्यम से आपका इस्तकबाल करता है, आपको नमन करता है। आज नवाबों के शहर लखनऊ की पवित्र पाकीज़ा धरती पर पहली बार आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिल रहा है, और आज मेरी कैफियत तकरीबन ऐसी है कि सुकून दिल के लिए कुछ तो इन्हें एहतराम करूं, सुकून दिल के लिए कुछ तो इन्हें एहतराम करूं, ज़रा नज़र जो मिले फिर इन्हें सलाम करूं। मुझे तो होश नहीं, आप ही मशवरा दीजिए, मुझे तो होश नहीं, आप ही मशवरा दीजिए कि कहां से छेड़ू फसाना और कहां तमाम करूं। हमारे देश को आज़ाद हुए तकरीबन 70 साल हो चुके हैं, और इन 70 सालों में भारतीय राजनीति में अनेकों उतार चढ़ाव आए हैं। पिछले कुछ दिनों से भारतीय राजनीति को एक नई दिशा देने की कोशिश की जा रही है। पिछले 3 सालों में देश के अंदर नोटबंदी और भूमि अधिग्रहण जैसे कानून बनाकर देश के अमीर उद्योगपति लोगों को करोड़ों अरबों रुपए का मुनाफा पहुंचाने की कोशिश की गई है। वहीं दूसरी तरफ देश के गरीबों, किसानों, मजदूरों, नौजवानों के हाथों से उनकी रोजी रोटी तक छीनकर उन्हें भूखा मरने पर मजबूर कर दिया गया है। नोटबंदी के कानून से पूरे देश में करोड़ों गरीब, मजदूर, नौजवान, किसान बेघर हो गए हैं, और गांव में रहने वाले गरीबों, पिछड़े वर्ग के लोगों, दलित समाज के लोगों, किसानों, मजदूरों को गरीबी के बोझ से तांगा कर आत्महत्या तक करने पर मजबूर किया जा रहा है। सरकार अपनी असफलता और नाकामी पर पर्दा डालने के लिए धार्मिक भावनाएं भड़काकर मेन मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाना चाहती है। सदियों से साथ साथ रहते आए हिंदू और मुसलमानों को धर्म के नाम पर बांटने की साजिश रची जा रही है। जिस सरकार को गरीबों, पिछड़े वर्ग, दबे कुचलों, किसानों, नौजवानों और खास करके दलित समाज के लोगों ने इस उम्मीद के साथ वोट दिया था कि अच्छे दिन आएंगे, आज वही गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, पिछड़े वर्ग के लोग, दलित समाज के लोग इस सरकार के जुल्म और सितम के शिकार हो रहे हैं। मेरे दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि जिस सरकार में हर महीने एक हजार गरीब, मजदूर, किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा हो, क्या ये हैं अच्छे दिन? जिस सरकार में गरीबों, मजदूरों और किसानों के बच्चे इलाज ना मिलने के कारण बेमौत मारे जा रहे हों, क्या ये हैं अच्छे दिन? जिस पार्टी ने चुनाव के दौरान हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने का वादा किया हो और सरकार में आने के बाद नौजवानों को नौकरी के बदले घोर निराशा मिली हो, क्या ये हैं अच्छे दिन? मैं आज इस मंच के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के सम्मानित नेताओं से कहना चाहता हूं कि हमारे किसान भाइयों को शिकायत इस बात की नहीं कि अनाज, फल और सब्जी निर्यात करके आपके अमीर व्यापारी लोग करोड़ों अरबों रुपए क्यों कमा रहे हैं, बल्कि हमें अगर शिकायत है तो वह इस बात की है कि आखिर क्यों धरती का सीना चीरकर अपने खून पसीने से
फसल उगाने वाले किसान को गरीबी के बोझ से तंग आकर आत्महत्या करने पर मजबूर किया जा रहा है। और अगर आज मेरी आवाज़, क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं, अगर देश के प्रधानमंत्री को मेरी आवाज़ पहुंच रही हो तो यह हिंदुस्तान का छोटा सा बालक आज किसानों की आवाज़ आप तक पहुँचाना चाहता है। हिंदुस्तान का किसान कह रहा है कि आखिर आत्महत्या की चिता पर देखकर किसान को, आत्महत्या की चिता पर देखकर किसान को नींद कैसे आ रही है देश के प्रधान को। और दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, क्योंकि समय कम है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी आदेश हुआ है, मैं दो मिनट में अपनी बात को खत्म करता हूं। मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा वाक्य 2012 के विधानसभा चुनाव का रखना चाहूँगा। जब 2012 के विधानसभा चुनाव चल रहे थे तो मैं अनेकों शहरों कस्बों में समाजवादी पार्टी की सभा को संबोधित कर रहा था। उस वक्त 17 फरवरी 2012 को मेरठ के अंदर एक अंग्रेजी के अखबार हिंदुस्तान टाइम्स की महिला संवाददाता ने मुझसे एक इंटरव्यू लेकर अपने अखबार में प्रकाशित किया। उन्होंने मुझसे बहुत से राजनीतिक सवाल पूछे, उसमें एक सवाल ये भी था कि नौमान मुर्तजा, तुम समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हो, यदि कोई दूसरी पार्टी तुमसे कहती है कि आप हमारी पार्टी के लिए प्रचार करिए, हमारी पार्टी आपको बाय हेलीकॉप्टर चुनावी सभा को संबोधित करने भेजेगी, तो नौमान का जवाब क्या होगा। मैंने हिंदुस्तान टाइम्स की महिला पत्रकार को बड़ी विनम्रता के साथ इस बात का जवाब देते हुए हिंदुस्तान के सपूत और हॉकी के जादूगर श्री ध्यानचंद जी की एक सच्ची बात बताई। और वो ये बात ये थी कि जब जर्मनी के अंदर 1936 में ओलंपिक हुआ और इंडिया की तरफ से, हिंदुस्तान की तरफ से श्री ध्यानचंद जी इस ओलंपिक को खेलने गए, तो उन्होंने अपनी खेल की प्रतिभा से वो ओलंपिक जीता और देश के लिए गोल्ड मेडल लाने का काम किया। जर्मनी के चांसलर अडोल्फ हिटलर ने उनसे, उनके खेल से प्रभावित होकर उन्हें लालच दिया कि अगर आप हिंदुस्तान को छोड़कर जर्मनी में आकर बस जाएं तो मैं आपको जर्मनी की फौज का मेजर बना दूंगा। तो श्री ध्यानचंद जी ने इस बात का जवाब दिया कि मैं जर्मनी की फौज का मेजर बनने के बजाय हिंदुस्तान की फौज का एक जाबाज सिपाही होने में गर्व महसूस करूंगा। ऐसे ही मैंने हिंदुस्तान टाइम्स की महिला पत्रकार से कहा कि मैडम, यह समाजवादी पार्टी का नन्ना सिपाही दूसरी पार्टी के हेलीकॉप्टर को छोड़कर समाजवादी पार्टी की साइकिल पर चढ़कर प्रचार करने में गर्व महसूस करेगा। और मैंने उनसे कहा कि मैडम, मैं एक समाजवादी हूँ और समाजवादी बिकाऊ नहीं होते, और जो बिकाऊ होते हैं वो समाजवादी नहीं होते। इस शेर के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। अखिलेश जी की शान में दो लाइनें अर्ज करता हूँ, जो आज प्रदेश की जनता की आवाज़ है, कि लगते जिगर अखिलेश पर हम जान निछावर कर देंगे, और अगर वक्त ने हमसे खूं मांगा, हम वक्त का दामन भर देंगे।